मिश्रित पत्ती ताड़ के रूप में मिश्रित पत्ती किस प्रकार से भिन्न है? मिश्रित पत्तियां दो प्रकार की हो सकती हैं। मिश्रित पत्ती जो है आपकी पिंडली मिश्रित पत्ती बमंडली मिश्रित पत्ती के समान होती है। सूक्ष्म रूप से मिश्रित पत्ती में एक सामान्य अक्ष पर कई पत्रक मौजूद होते हैं। रचिस जो नीम की तरह पत्ती की मध्य सिरा को प्रतिनिधित्व करता है। पिनलेटी कंपाउंड लीफ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि यूनिपिपनेट, विपिन्नत, अभिपिन्नत, ट्रिपिन्नत, किड्डिक पाउंड। ते ताड़ के रूप में मिश्रित पत्ती में पत्रक एक समान बिंदु पर यानी पेटियोल की नोक पर जैसे रेशम कपास में जुड़े होते हैं। पामेटली कंपाउंड लीफ विभिन्न प्रकार की हो सकती जैसे यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट और कार्डियोफोलिएट और मल्टीफोलिएट प्रकार की हो सकती है। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ही अच्छे से आपको याद कर लेना है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सभी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ तो आपको 101% सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। मैं जल्द ही सभी आपको जो त्रैमासिक परीक्षा का सोल्यूशन पेपर भी अपलोड करने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले सोल्यूशन पेपर की आपको पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों ध्यान देंगे, डायटमों में कोशिका भित्ति की प्रकृति क्या होती है? तो डायटम्स की जो कोशिका भित्ति वो फ्रिस्ट्यूल प्रकार की होती है, फ्रिस्ट्यूल कहलाती है, ठीक है। सेल की दीवार मुख्य रूप से कांच की तरह सिलिका के साथ लगाए गए सेलुलोज से बनी होती है। सिलिका क्या होती है सबको पता है, सिलिका से जो सिलिकॉन से बना होता है सिलिका, ठीक है, SiO2 हम बोलते हैं जो सिलिका को, ठीक है, याद रखोगे अगर केमिस्ट्री ध्यान से पढ़ते होगे तो आपको पढ़ाया भी होगा। सेलुलोज से बनी होती है, यह क्या होती है, दो ओवरलैपिंग हिस्सों से बना होता है जो एक साबुन बॉक्स या पेट्री डिश के दो हिस्सों की तरह एक साथ फिट होते हैं, ठीक है। ऊपरी आधे ढक्कन को एपिथेका और निचले आधे केस को हाइपोथेका कहा जाता है। बाहरी आवरण में बहुत निशान होते हैं, गड्ढे चित्र और लकीरें होती हैं। डायटम के सीरियस फ्रिस्टूल आसानी से क्षय नहीं होते, जलाशयों के तल पर ढेर हो जाते हैं और बड़े ढेर बनाते हैं जिन्हें डायटोमाइट और डायटोमेशियस अर्थ कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में कई सौ मीटर तक फैल सकता है जहां इसका खनन किया जा सकता है। इस तरह से इन सभी प्रश्नों को नोट कर लेना बच्चों, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और त्रैमासिक परीक्षा के लिए सभी के सभी प्रश्न आपके लिए 100% मोर देन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं, सभी के सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पूरे प्रश्नों को नोट कर लेना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, NCERT 11वीं कक्षा के लिए संपूर्ण PCMB कोर्स मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। मैं आपको 11वीं क्लास का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स क्लास में आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा 24x7 लाइव इंटरेक्टिव क्लास दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दी जाएंगी, क्लास का एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लास का टाइमिंग बच्चों 5 से 6 बजे के बीच है, तो सिंपली आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है नून अकेडमी ऐप। यहाँ पर आपको फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी की भी क्लासेस दी जा रही हैं, तो देर किस बात की, फटाफट नून अकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं क्लास में सभी बच्चे, फिर मिलेंगे इस चैनल पर जीव विज्ञान के सोल्यूशन पेपर के साथ। बहुत जल्द हम अपलोड करने वाले हैं, देखते हो प्रश्नों का फुल सोल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर 32 में 32 आपको किस प्रकार से मिलने वाले हैं वो आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना ताकि उनका भी फायदा हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और लेटेस्ट जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।